हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे ईश्वर कृष्ण मिश्र विरचित सांख्यकारिका। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि सांख्यकारिका का संक्षेप में हिंदी अनुवाद सबसे पहले हम देखेंगे, क्योंकि कारिकाओं का जो है संस्कृत अध्ययन करने से पहले हमें एक संक्षेप में हिंदी अनुवाद जान लेने से विशेष रूप से समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। सांख्य दर्शन में संख्या शब्द को मूल आधार माना गया है। जैसा कि हम जानते ही हैं, सांख्यकारी का नाम है, तो यहाँ पर संख्या शब्द को मूल आधार माना गया है, जिसकी निष्पत्ति चक्षीय क्या धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सम्यक ख्यानम अर्थात सम्यक विचार। अमरकोश में संख्या शब्द चर्चा और विचारणा के पर्याय रूप में उल्लेखित है। संख्या चर्चा विचारणा, अतः संख्यावान ही ज्ञानवान या पंडित है। सांख्य सम्मत यही ज्ञान विवेक ज्ञान या विवेक ख्याति के रूप में प्रसिद्ध है। ईश्वर कृष्ण कृत सांख्यकारिका इस दर्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जितनी प्रसिद्धि इस ग्रंथ की कारिकाओं को मिली, उतनी संभवतः इस दर्शन के किसी अन्य ग्रंथ को नहीं मिली है। शंकराचार्य प्रवृत्ति दार्शनिक प्रवरों ने यत्र तत्र इस ग्रंथ की कारिकाओं का उल्लेख किया है। माठव कृति में ईश्वर कृष्ण के लिए भगवान जैसे परम आदरार्थक शब्द का प्रयोग हुआ है। उनकी सांख्यकारिका इस समय ही नहीं अपितु सुदीर्घ कालावधि से सांख्य ज्ञान हेतु परम प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में असीम श्रद्धा स्पद रही है, यानी ये श्रद्धा पूर्वक देखी जाती रही है। अनुयोगवद या कहें अनुयोगद द्वारा सूत्र जैसे ग्रंथों से ये प्रमाणित है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी तक इस ग्रंथ पर टीकाएँ लिखी जा चुकी थी। अतः ईश्वर कृष्ण के समय को लगभग 300 BC के आसपास माना जा सकता है। ईश्वर कृष्ण ने जिन 70 कारिकाओं का निर्माण किया, वे सांख्य सप्तति या सुवर्ण सप्तति यानी कि हृदय सप्तति के नाम से जानी जाती हैं। ये प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि जो सांख्य कारिका है उसे किस नाम से जाना जाता है, सुवर्ण सप्तति, हृदय सप्तति और सांख्य सप्तति के नाम से भी जानी जाती हैं। अनुयोगवाद सूत्र में इसे कणक सप्तति भी कहा गया है। माठवृत्ति युक्ति दीपिका जय मंगला तत्व कौमुदी चंद्रिका तथा गौड़पाद भाष्य आदि इसकी प्रमुख टीकाएँ हैं। इस ग्रंथ के अंतर्गत कुल 25 तत्वों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार, पंच तन्मात्रा, एकादश इंद्रियां तथा पंच महाभूतों के रूप में जाना जाता है। विशेष रूप से महत्व है इसमें प्रकृति और पुरुष का। यहाँ पर हम अब देखेंगे सांख्यकारिका हिंदी अनुवाद, प्रत्येक कारिका का हिंदी अनुवाद यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे। तो प्रथम कारिका का हम यहाँ देख रहे हैं, सबसे जो पहली कारिका है उसके विषय में दुख त्रय। दुख त्रय कौन कौन से? 3 दुख, आदि भौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक के अभिघातक विनाशक कारण को जानने की जिज्ञासा करनी चाहिए। क्या बताया गया है? दुख त्रय आदि भौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक के अभिघातक यानी कि विनाशक कारण को जानने की जिज्ञासा करनी चाहिए। क्या दृष्टि? दृष्टि यानी कि जो देखे जाते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष उपायों से उस जिज्ञासा की पूर्ति हो जाएगी? नहीं, दृष्ट उपायों से निश्चित रूप से और सदा के लिए दुखों का विनाश संभव नहीं है, ऐसा ईश्वर कृष्ण कहते हैं। अब हम देख रहे हैं सेकंड कारिका, दृष्ट। दृष्ट यानी कि देखे जाने योग्य, यानी प्रत्यक्ष या लौकिक उपायों की ही भांति वैदिक अनुश्राविक या अनुश्रविक उपाय भी हैं, क्योंकि वे अशुद्धि क्षय और अतिशय न्यूनाधिक के रूप वैषम्य से युक्त हैं। क्या बताया है? अशुद्धि क्षय अतिशय यानी कि न्यूनाधिक, कम और अधिक रूप से वैषम्य से युक्त हैं। इन उपायों से भिन्न
यानी कि व्यक्त महत आदि अव्यक्त मूल प्रकृति यज्ञ आज्ञा किसे कहा गया है, पुरुष का विवेक ज्ञान ही श्रेष्ठतर है ऐसा बताया गया है। अब हम देखेंगे तीसरी कारिका, मूल प्रकृति कारण स्वरूपा, किसी पदार्थ की विकृति कारण नहीं है, यानी कि जो मूल प्रकृति है किसी पदार्थ की विकृति यानी कि कारण नहीं है। महत आदि कौन से, महत अहंकार शब्द स्पर्श रूप रस गंध सात तत्व प्रकृति, प्रकृति क्या कारण एवं विकृति कारण दोनों हैं। क्या बताया है, प्रकृति और विकृति दोनों हैं। कौन कौन से तत्व हैं फिर से देख लेते हैं, महत अहंकार शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये क्या हैं, प्रकृति एवं विकृति दोनों हैं यानी कि कारण और कार्य दोनों हैं। 16 तत्वों का समूह है, एकादश इंद्रियां यानी कि जो 11 इंद्रियां हो गई मन सहित, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां साथ ही साथ मन, ये क्या हो गया एकादश इंद्रियां तथा पंच महाभूत केवल विकार कार्य विकृति ही है। पुरुष ना किसी की प्रकृति यानी कि कारण है और ना ही किसी की विकृति कार्य है ऐसा बताया गया है। अब हम देखेंगे फोर्थ कारिका, दृष्ट, दृष्ट समझ रहे हैं इसको, देखे जाने योग्य यानी कि प्रत्यक्ष अनुमान और आप्तवचन शब्द ये तीन ही प्रमाण हैं। कौन कौन से बताए हैं, प्रत्यक्ष अनुमान और आप्तवचन ये तीन ही प्रमाण हैं। प्रमाण कितने बताए गए हैं, तीन, प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द, इन्हीं के अंतर्गत सभी प्रमाणों का अंतर्भाव हो जाने से सांख्य दर्शन को तीन ही प्रमाण अभिष्ट हैं, प्रमेय की सिद्धि प्रमाण से होती है। ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आता ही है, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सांख्य कारिका के अनुसार कितने प्रमाण हैं, तो यहाँ आ गया प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द तीन ही प्रमाण हैं और इन्हीं के अंतर्गत सभी प्रमाणों का अंतर्भाव हो जाने से सांख्य दर्शन को तीन ही प्रमाण अभिष्ट हैं, प्रमेय की सिद्धि प्रमाण से होती है। अब हम देखेंगे फिफ्थ कारिका, प्रत्येक इंद्रिय का अपने अपने विषयों में अध्यावसाय यानी कि निश्चय ही दृश्य यानी कि प्रत्यक्ष है। क्या बताया है, प्रत्येक इंद्रिय का अपने अपने विषयों में अध्यावसाय यानी कि निश्चय ही दृश्य यानी कि प्रत्यक्ष है। पूर्ववत शेषवत तथा सामान्य उत्दृष्ट के भेद से अनुमान तीन प्रकार का होता है। क्या बताए थे, तीन प्रमाण बताए थे जिसमें अनुमान कितने प्रकार का बताया है, तीन प्रकार का अनुमान बताया है। कौन कौन सा, पूर्ववत शेषवत तथा सामान्य उत्दृष्ट। वह अनुमान लिंग लिंगी व्याप व्यापक पूर्वक होता है तथा आप्त व्यक्तियों से सुना हुआ आप्त वचन ही शब्द प्रमाण कहलाता है। इसने प्रत्येक इसके बारे में बता दिया, प्रत्येक इंद्रिय का अपने अपने विषयों में अध्यवसाय निश्चय ही जो है प्रत्यक्ष है और पूर्वत शेषवत तथा सामान्य दृष्टि के भेद से अनुमान तीन प्रकार का होता है। वह अनुमान लिंग लिंगी व्याप व्यापक पूर्वक होता है तथा आप्त व्यक्तियों से सुना गया आप्त वचन के बारे में भी बताया गया है शब्द प्रमाण कहलाता है। यानी कि आप्त व्यक्तियों से यानी कि जो सिद्ध हो गए हैं ऐसे पुरुष जो कि पूरी तरह से उनकी बात कही हुई सत्य होती है ऐसे व्यक्तियों से सुना हुआ आप तो वचन ही शब्द प्रमाण कहलाता है। अब हम देखेंगे सिक्स्थ पॉइंट या सिक्स्थ कारिका, सामान्यतः सभी विषयों की प्रतीति दृष्ट यानी प्रत्यक्ष से होती है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि प्रत्यक्ष जब हो जाता है सामने दिखाई देता है, दिखाई देने से स्पर्श करके या किसी प्रकार से प्रत्यक्ष कहा जाता है तथा अतीन्द्रिय पदार्थों की प्रतीति अनुमान से होती है। क्या बताया, अतीन्द्रिय इंद्रियों से जो अलग हैं उनके पदार्थों की प्रतीति जो है अनुमान से होती है, किंतु जो उसे नहीं सिद्ध होता, जो उसे सिद्ध नहीं होता है उसकी प्रतीति परोक्ष आप्तश्रुति शब्द प्रमाण से ही होती है। क्या बताया गया है, जो प्रत्यक्ष नहीं है और जो अनुमान से भी सिद्ध नहीं हो पाता है अब उसकी क्या बताया गया है, उसकी प्रतीति परोक्ष आप्तश्रुति यानी कि शब्द प्रमाण से ही होती है। अब हम देखेंगे सेवेंथ पॉइंट, किसी पदार्थ के अत्यंत दूर होने से यानी कि जो कोई भी पदार्थ है अत्यंत दूर होने से, अत्यंत समीप होने से, इंद्रियों में दोष होने से, मानसिक अस्थिरता से,
सूक्ष्म होने से, बीच में किसी वस्तु का व्यवधान होने से, किसी उत्कट वस्तु द्वारा अभिभूत होने से तथा अपने सदस्य पदार्थ में मिल जाने से विद्यमान वस्तु का भी प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है। यानी कि वस्तु प्रत्यक्ष है परंतु किस किन कारणों से नहीं हो पाता है प्रत्यक्ष, उसको देखेंगे। अत्यंत दूर अगर कोई वस्तु है, अत्यंत समीप कोई वस्तु है, और इंद्रियों में दोष होने से, यानी कि मान लो स्पर्श करने की क्षमता नहीं है, देखने की क्षमता नहीं है, सूंघने की क्षमता नहीं है, तो और मानसिक अस्थिरता से, यानी कि जब मानसिक रूप से कोई व्यक्ति ठीक नहीं होता है, मानसिक स्थिति उसकी खराब होती है, जैसे चिंता से हो सकती है, कोई जो है बीमारी से हो सकती है मानसिक स्थिति खराब, तो मानसिक अस्थिरता के कारण जो स्थिर नहीं है जिसका मन, और सूक्ष्म होने से, यानी कि बहुत सूक्ष्म होने से, जैसे हम वायु में देखते हैं न जाने कितने कण होते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते हैं, तो इस प्रकार बहुत सूक्ष्म होने से, बीच में किसी वस्तु का व्यवधान होने से, यानी कि हमारे निकट तो है परंतु बीच में किसी दूसरी वस्तु का व्यवधान है, या फिर किसी उत्कट वस्तु द्वारा अभिभूत होने से, या फिर अपने सदस्य पदार्थ मिल जाने से विद्यमान वस्तु का भी प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि पानी में अगर नमक डाल दिया जाए तो घुला हुआ नमक हमें प्रतीत नहीं होता, तो ऐसे ही है कि अपने सदस्य पदार्थ में मिल जाने से विद्यमान वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है। अब इसी के साथ अब हम देखेंगे एट्थ पॉइंट या एट्थ कारिका, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण ही प्रधान प्रकृति का प्रत्यक्ष नहीं होता, अभाव के कारण नहीं, क्योंकि कार्यों से उसकी उपलब्धि विद्यमानता सिद्ध होती है। महत आदि प्रकृति के ही कार्य हैं जो प्रकृति के सदस्य भी हैं और विलक्षण भी हैं। क्या बताया गया है? अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण ही प्रधान, प्रधान कौन है? प्रकृति। प्रकृति का प्रत्यक्ष नहीं होता, अभाव के कारण नहीं, ऐसा नहीं है कि है नहीं इस कारण से, क्योंकि कार्यों से उसकी उपलब्धि विद्यमानता सिद्ध होती है। जो कार्य हो रहा है उससे उसकी विद्यमान की प्रकृति विद्यमान है सिद्ध होती है। महत आदि प्रकृति के ही कार्य हैं जो प्रकृति के सदस्य भी हैं तथा विलक्षण भी हैं। अब हम देखेंगे नाइन्थ पॉइंट और या कहें नवी कारिका, विद्यमान की उत्पन्न ना कर सकने से, यानी कि जो अविद्यमान है, जो विद्यमान नहीं है, विद्यमान को उत्पन्न ना कर सकने से, कार्य के लिए आवश्यक कारण का ही ग्रहण करने से, सभी कारणों से सभी कार्यों की उत्पत्ति ना होने से, जो जिस कार्य में समर्थ है उस कारण से ही उस कार्य की उत्पत्ति होने से, तथा कार्य के कारण से अभिन्न स्वरूप वाला होने से ये सिद्ध होता है कि कार्य सत है। उत्पत्ति के पूर्व कार्य अपने कारण में विद्यमान रहता है। यहाँ पर बहुत सारी बातें आ जाती हैं। हम जानते हैं कि तिल से ही तेल निकलता है, रेते से तेल नहीं निकल सकता, यानी कि बालू से तेल नहीं निकल सकता, तो इस प्रकार की जो बातें होती हैं वह है ही नहीं सामर्थ्य उसके अंदर, या फिर जो विद्यमान नहीं है, अब विद्यमान नहीं है तो उसको उत्पन्न कैसे किया जा सकता है, और फिर सभी कार्यों की उत्पत्ति ना होने से, जिस कार्य में जो समर्थ है उस कारण से ही उस कार्य की उत्पत्ति होने से, तथा कार्य के कारण से अभिन्न स्वरूप वाला होने से ये सिद्ध होता है कि कार्य सत है। उत्पत्ति के पूर्व कार्य अपने कारण में विद्यमान रहता है। जैसे कि दूध से दही जमता है तो उसमें जो है दही जमाने की सामर्थ्य पहले से है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हम व्यक्त यानी कि महत आदि, हेतुमान अनित्य अव्यापी सक्रिय अनेक आश्रित लिंग असावयव या परतंत्र हैं। अव्यक्त इसके विपरीत अर्थात अहेतुमान नित्यव्यापी निष्क्रिय एवं ये कहें अनाश्रित अलिंग निरवयव तथा स्वतंत्र हैं। क्या बताया गया? व्यक्त महत आदि, हेतुमान अनित्य अव्यापी सक्रिय अनेक आश्रित लिंग सावयव तथा परतंत्र हैं। अव्यक्त इसके विपरीत, यानी कि व्यक्त के बारे में बता दिया, अव्यक्त इसके विपरीत यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा, अहेतुमान, यहाँ पर हेतुमान था व्यक्त, अनित्य था नित्य, व्यापी निष्क्रिय एक, उसमें अनेक बताया था एक, अनाश्रित इसमें आश्रित बताया गया था, अलिंग इसमें लिंग बताया गया था, निरव्यय तथा स्वतंत्र हैं। फिर से देख लेते हैं व्यक्त में क्या आता है। व्यक्त महत आदि हेतुमान हैं, अनित्य हैं, अव्यापी हैं, सक्रिय अनेक आश्रित लिंग सावयव तथा परतंत्र हैं। और इसके विपरीत क्या है? अव्यक्त इसके विपरीत अर्थात अहेतुमान नित्य व्यापी निष्क्रिय एक अनाश्रित आलिंग निरव्यय तथा स्वतंत्र हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कारिका,
व्यक्त और अव्यक्त दोनों ही त्रिगुणात्मक यानी कि तीनों गुणों से युक्त अविवेकी विषय सामान्य अचेतन तथा प्रसाधर्मी हैं, लेकिन पुरुष इससे इनसे विपरीत अर्थात निर्गुण विवेकी अविषय असामान्य चेतन तथा प्रसवधर्मी तथा अव्यक्त के समान धर्म वाला अहितुमान नित्य व्यापी निष्क्रिय एक अनाश्रित अलिंग निरवयव तथा स्वतंत्र भी है। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट कारिका यानी कि बारहवीं कारिका, सत्व रजस और तमस ये तीनों गुण जो गुण बताया गया है त्रिगुणात्मक त्रिगुण बताए गए हैं, तीन गुण हैं, कौन कौन से हैं, सत्वरज सत्वगुण हैं, रजगुण हैं, रजोगुण जिसे कहेंगे या तमोगुण, ये तीनों गुण क्रमशः प्रीति अप्रीति और विषादात्मक होते हैं। प्रकाश प्रवृत्ति और नियमन ही इनका प्रयोजन है, ये परस्पर एक दूसरे के परिणाम में सहायक होने वाले और एक दूसरे के साथ रहने वाले तथा एक दूसरे को उत्पन्न करने वाले हैं। अब हम देखेंगे इनकी गुणों के बारे में ही आगे नेक्स्ट कारिका। सत्वगुण हल्का क्या बताया गया है, सत्वगुण जो है हल्का प्रकाशक और प्रिय इष्ट होता है। सत्वगुण हल्का जिसे लघु कहते हैं प्रकाशक तथा प्रिय यानी कि इष्ट होता है। रजोगुण उत्तेजक और चंचल होता है तथा तमोगुण भारी और आवरणकारी होता है। पुरुषार्थ रूपी प्रयोजन की सिद्धि के लिए तीनों गुण दीपक के समान सम्मिलित व्यवहार करते हैं, क्योंकि मिले जुले होते हैं तो जो है सम्मिलित व्यवहार करते हैं। अब जैसे सत्वगुण हल्का लघु और प्रकाशक और प्रिय इष्ट होता है, रजोगुण उत्तेजक होता है उसमें तेज होता है और चंचल होता है, तथा तमोगुण भारी, इस तमोगुण वाले जो व्यक्ति होते हैं थोड़े आलसी स्वभाव के होते हैं ऐसा माना जाता है। तो इसमें बताया पुरुषार्थ रूपी प्रयोजन की सिद्धि के लिए तीनों गुण दीपक के समान सम्मिलित व्यवहार करते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कारिका, ये जो अविवेकादि या कहें अविवेकत्वादि गुण हैं वे महतादि में स्पष्ट रूप से सिद्ध हैं। त्रिगुणात्मक होने से व्यक्त और अव्यक्त का विपर्य न होने से अर्थात व्यक्त के अव्यक्त से भिन्न होने से तथा कारण के गुण की कार्य में जो है प्रतीति होने से अव्यक्त की भी सिद्धि हो जाती है, ऐसा ईश्वर कृष्ण जी ने कहा है। अब हम देखेंगे भेदों के परिणाम से समन्वय से शक्ति के अनुसार ही प्रवृत्ति होने से कारण और कार्य का विभाग होने से वैश्य रूप के अविभाग यानी कि जगत के लय क्रम से भी सिद्ध है अव्यक्त व्यक्त का कारण है। इसी के साथ हम देखेंगे नेक्स्ट कारिका, त्रिगुणात्मक होने से तथा एक रूप होने से व्यक्त जगत, व्यक्त क्या है जगत प्रवृत्त होता है। त्रिगुणात्मक होने से तथा एक रूप होने से व्यक्त यानी कि जो जगत है प्रवृत्त होता है। एक ही अव्यक्त से उत्पन्न होने पर भी जल की भांति प्रत्येक गुण के आश्रय विशेष के परिणाम में अंतर प्रतीत होता है। क्या बताया गया है, एक ही अव्यक्त से उत्पन्न होने पर भी जल की भांति प्रत्येक गुण के आश्रय विशेष से परिणाम में जो है अंतर प्रतीत होता है। कहते हैं ना जल में जैसे जल है वैसे उसी भांति है, किंतु आश्रय विशेष के परिणाम में अंतर प्रतीत होता है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट कारिका, सभी संघातों यानी कि अव्यक्त से लेकर पृथ्वी आदि महाभूत पर्यंत दूसरों के उपभोग के लिए होने से त्रिगुणादि के विपरीत होने से अधिष्ठाता तथा भोक्ता होने के से और कैवल्य के प्रति प्रवृत्ति होने से पुरुष की प्रकृति से पृथक स्वतंत्र सत्ता सिद्ध होती है। क्या बताया है, सभी संघातों अव्यक्त से लेकर पृथ्वी आदि महाभूत पर्यंत दूसरों के उपभोग के लिए होने से त्रिगुणादि के विपरीत होने से अधिष्ठाता तथा भोक्ता होने से और कैवल्य के प्रति प्रवृत्ति होने से पुरुष की प्रकृति से पृथक स्वतंत्र सत्ता सिद्ध होती है। अब नेक्स्ट कारिका देखेंगे हम, जन्म मृत्यु तथा इंद्रियों की व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न होने से सबकी सब में एक साथ प्रवृत्ति न होने से, क्या होता है, जन्म मृत्यु और इंद्रियों की व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न होने से सबकी सब में एक साथ प्रवृत्ति न होने से तथा त्रिगुण त्रिगुण या सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण के विपर्य से भी पुरुष की अनेकता सिद्ध होती है। अब नेक्स्ट कार्य देखेंगे,
उपयुक्त त्रिगुण यानी कि जो तीन गुण बताए हैं कि विपर्यास से इस पुरुष का साक्षी होना, मध्यस्थ होना तथा दृष्टा होना और अकर्ता होना स्वयं सिद्ध हो जाता है। क्या बताया है? इससे जो है पुरुष का साक्षी होना, मध्यस्थ होना और दृष्टा होना और अकर्ता होना स्वयं सिद्ध हो जाता है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट कारिका, महद आदि अचेतन होने पर भी उस चेतन के संयोग से चेतनवत प्रतीत होते हैं, यानी कि महद आदि जो है चेतन नहीं है परंतु उस चेतन के संयोग से, चेतन कौन है? पुरुष, से अचेतनवत प्रतीत होते हैं। यद्यपि कर्तृत्व कर्तापन गुणों में हैं फिर भी पुरुष उदासीन यानी कर्तत्वहीन होते हुए भी कर्तावत प्रतीत होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कारिका, पुरुष का प्रधान के साथ संयोग दर्शन के लिए तथा प्रधान का पुरुष तथा संयोग कैवल्य के लिए होता है। इस प्रकार पंगु और अंधे की भांति इन दोनों का संयोग होता है जिससे सृष्टि होती है। इसमें बताया है पंगु तथा अंधे की भांति इन दोनों का संयोग होता है जिससे सृष्टि होती है। कहा जाता है ना कि एक कहानी है संबंध में कि एक व्यक्ति पैरों से चल नहीं सकता था और दूसरे को दिखाई नहीं देता था। एक बार एक गांव में जो आग लग गई उस समय आप दोनों कैसे जाएं, तो जो अंधा व्यक्ति था वो चल सकता था और जो पंगु था वह चल नहीं सकता था। तो अंधे के कंधे पर जो पंगु व्यक्ति था बैठा और रास्ता बताता गया और दोनों जल्दी से निकल गए, यानी कि उन्होंने अपना स्थान चयन कर लिया जिससे वे बच गए। इस प्रकार से ये कहा गया है कि दोनों के लिए बताया गया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कारिका, मूल प्रकृति से महत बुद्धि। क्या बताया है? मूल प्रकृति से महत यानी कि बुद्धि और महत से अहंकार, अहंकार से एकादश इंद्रियां और तथा पंच तन्मात्राएं, 16 तत्वों का समूह है और 16 के समूह में विद्यमान पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। मूल प्रकृति से क्या होता है? महत यानी बुद्धि और महत से अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार से एकादश इंद्रियां तथा पंच तन्मात्राएं, 16 तत्वों का समूह है और 16 के समूह में विद्यमान पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कालिका, अध्यवसाय बुद्धि बुद्धि है, धर्म ज्ञान विराग और ऐश्वर्य ही इसके सात्विक रूप हैं। इसके विपरीत अधर्म अज्ञान अवैराग्य तथा अनैश्वर्य इसके तामस रूप हैं। क्या बताया? अध्यवसाय ही बुद्धि है। अध्यवसाय क्या है? बुद्धि। धर्म ज्ञान विराग और ऐश्वर्य ही इसके सात्विक रूप हैं। इनके विपरीत अधर्म अज्ञान अवैराग्य तथा अनैश्वर्य इसके तामस रूप है। तामस रूप कौन कौन से बताए हैं? अधर्म धर्म को ना मानना, अज्ञान ज्ञानी ना होना, अवैराग्य और अनैश्वर्य इसके तामस रूप बताए गए हैं। अब आगे बताएंगे इसके बारे में, अभिमान ही अहंकार है। इससे दो प्रकार की सृष्टि प्रवृत्ति होती है, एक तो 11 इंद्रियों का समूह है और दूसरा पंच तन्मात्राओं का समूह है। 25वीं कारिका हम देख रहे हैं, व्यक्रत नामक सात्विक अहंकार से 11 इंद्रियों का सात्विक समूह उत्पन्न होता है। क्या बताया है? व्यक्रत नामक सात्विक अहंकार से 11 इंद्रियों का सात्विक समूह है जो है उत्पन्न होता है। 11 इंद्रियां कौन कौन सी? 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेन्द्रिय और साथ ही साथ 1 मन। तो ये क्या हो गया? कितने हो गए? 11। तो 11 इंद्रियों का सात्विक समूह उत्पन्न होता है और भूत आदि संज्ञक तामस अहंकार से पंच तन्मात्राओं का तामस समूह उत्पन्न होता है। तेजस नामक राजस अहंकार से दोनों ही की उत्पत्ति होती है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कारिका, चक्षु। चक्षु क्या होती है? नेत्र, श्रोत्र, कान, घ्राण, नासिका, रसना, जीभ और त्वचा नामक 5 ज्ञानेन्द्रियां तथा वाक, पाणी, पाद, वायु और उपस्थि 5 कर्मेंद्रियां कही जाती हैं। चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसना और त्वचा नामक 5 कर्मेंद्रियां, वो 5 ज्ञानेन्द्रियां होंगी। कौन कौन सी? ज्ञान इनसे प्राप्त होता है, चक्षु से देखकर, श्रोत्र से सुनकर, घ्राण से सूंघकर, रसना से स्वाद लेकर और त्वचा से स्पर्श करके। ये 5 ज्ञानेन्द्रियां तथा वाक, पाणी, पाद, वायु और उपस्थि 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये 5 कर्मेंद्रियां कही जाती हैं। नेक्स्ट कार्य का हम देख रहे हैं यहाँ पर,
27वीं, इसमें मन उभयात्मा यानी कि ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों ही हैं। मन क्या है? उभयेंद्रिय है, जो ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय दोनों ही हैं। संकल्प करने वाला होने के कारण या होने के साथ साथ इंद्रियों के साथ या इंद्रियों के समान धर्म वाला होने से इंद्रियां भी है। गुणों के परिणाम विशेष से सत्वादि के वैषम्य से उत्पन्न अदृष्ट से इंद्रियों में नानात्व तथा बाह्य अर्थों में भेद तन्मात्राएं जो है उत्पन्न होते हैं। अब नेक्स्ट कालिका देखेंगे, 28वीं कालिका या 28th कालिका। चक्षु इत्यादि पांच ज्ञानेंद्रियों की रूप रस गंध स्पर्श तथा शब्द इन पांचों में केवल आलोचना मात्र गति मानी जाती है। चक्षु आदि जो पांच ज्ञानेंद्रियां हैं तो रूप रस गंध स्पर्श तथा शब्द इन पांचों में केवल आलोचना मात्र गति मानी जाती है। इसी प्रकार वाग आदि पांच कर्मेंद्रियों की भाषण ग्रहण गमन उत्सर्ग तथा आनंद नामक गति मानी जाती है। अपना अपना लक्षण ही तीनों मन बुद्धि और अहंकार की गति व्यापार भी हैं। क्या बताया गया है कि अपना अपना लक्षण ही तीनों कौन कौन? मन बुद्धि और अहंकार की गति यानी कि व्यापार भी है। ये संकल्पादि प्रतीक के असाधारण व्यापार से हैं तथा प्राणादि पंचवायु इन तीनों के समान व्यापार हैं। नेक्स्ट कालिका देखेंगे, दृष्ट। दृष्ट यानी कि प्रत्यक्ष। पदार्थ के विषयों में ये विषय में चारों कौन कौन? मन बुद्धि अहंकार और ये इंद्रियां का एक साथ व्यापार होता है। एकादश जो इंद्रियां हैं और सभी क्रमशः भी होता है। इसी प्रकार आदर्श पदार्थ के संबंध में तीनों अंतःकरणों का व्यापार उसी प्रकार से कभी एक साथ और कभी क्रमशः प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कालिका, पुरुषार्थ सिद्धि के निमित्त महदादि परस्पर एक दूसरे की कार्योन्मुखता को जानकर। क्या बताया गया है? पुरुषार्थ सिद्धि के निमित्त, पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? धर्म अर्थ काम मोक्ष। पुरुषार्थ सिद्धि के निमित्त महदादि परस्पर एक दूसरे की कार्योन्मुखता को जानकर अपने अपने व्यापार को संपन्न करने में प्रवृत्त होते हैं। कारणों को कोई जो है प्रवृत्त नहीं करता, पुरुषार्थ सिद्धि के निमित्त वे स्वयं ही प्रवृत्त होते हैं। अब नेक्स्ट कार्य का देखेंगे हम, करण के 13 प्रकार, एकादश इंद्रियां बुद्धि और अहंकार हैं। ये आहरण धारण तथा प्रकाश करने वाले हैं। इनके आहरण धारण तथा प्रकाश नामक तीनों कार्य 10-10 प्रकार के होते हैं। अब 33वीं कार्य का यहाँ देख रहे हैं, अंतःकरण 3 प्रकार का होता है। इन तीनों के विषयों को उपस्थित करने वाले बाह्य कारण 10 प्रकार के हैं। बाह्य कारण के कारण केवल वर्तमान विषयक होते हैं, जबकि अंतःकरण त्रिकाल विषयक होते हैं। अब 34वीं कार्य का यहाँ हम देख रहे हैं, उन 10 इंद्रियों में 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय विशेष स्थूल और अविशेष सूक्ष्म दोनों होते हैं। जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनके विषय सब विशेष स्थूल और सूक्ष्म दोनों होते हैं। 5 कर्मेंद्रियों में से वाक इंद्रिय का जो है स्थूल शब्द होता है और शेष 4 कर्मेंद्रियों के विषय रूप रस गंध तथा स्पर्श पंच तन्मात्रा घट पट आदि होते हैं। अब नेक्स्ट कार्य का हम देखेंगे, क्योंकि मन और अहंकार इन दोनों अंतःकरणों के साथ बुद्धि सभी विषयों में व्याप्त होती है। क्या बताया गया है? क्योंकि मन और अहंकार इन दोनों अंतःकरणों के साथ बुद्धि सभी विषयों में व्याप्त होती है और विषयों का प्रकाशन करती है, अतः ये तीनों अंतःकरण प्रधान हैं। अन्य सभी 10 साधन मात्र हैं। नेक्स्ट कार्य का देख रहे हैं अब हम, ये 13 करण परस्पर एक दूसरे से विलक्षण गुण विशेष हैं, जो दीपकवत अपने संपूर्ण विषयों को पुरुष के लिए प्रकाशित करके बुद्धि को सौंप देते हैं। क्या बताया गया है कि ये जो 13 करण परस्पर एक दूसरे से विलक्षण गुण विशेष हैं, जो दीपकवत अपने संपूर्ण विषयों को पुरुष के लिए प्रकाशित करके बुद्धि को सौंप देते हैं। मान लीजिए अंधकार है और दीपक जला दिया गया और सारी समस्त वस्तुएं दिखाई देने लगी,
तो दीपक पथ अपने संपूर्ण विषयों को पुरुष के लिए प्रकाशित करके बुद्धि को सौंप देते हैं। अब नेक्स्ट कालिका हम देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि बुद्धि ही पुरुष के लिए सभी उपभोगों को संपादित करती है और फिर वही प्रधान तथा पुरुष के सूक्ष्म अंतर को व्यक्त करती है। क्या बताया गया है, क्योंकि बुद्धि को क्यों सौंप दिया जाता है, तो इसका उत्तर है क्योंकि बुद्धि ही पुरुष के लिए सभी उपभोगों को संपादित करती है और फिर वही प्रधान तथा पुरुष के सूक्ष्म अंतर को व्यक्त करती है। नेक्स्ट कालिका हम देखेंगे, तन्मात्राएं ही सविशेष हैं। पांच तन्मात्राएं बताई गई हैं, वे सविशेष हैं, इनसे उत्पन्न पंच महाभूत विशेष कहे गए हैं, जो सुखात्मक दुखात्मक और मोहात्मक हैं। कैसे कैसे हैं, सुखात्मक हैं, दुखात्मक हैं और मोहात्मक हैं। अब हम नेक्स्ट कालिका देख रहे हैं यहाँ पर, सविशेष कहें विशेष अर्थात स्थूल विषयों के तीन भेद होते हैं। स्थूल विषय के कितने भेद बताए गए हैं, तीन भेद हैं, सूक्ष्म शरीर, माता पिता से उत्पन्न शरीर तथा पंच महाभूत। क्या बताया है, एक सूक्ष्म शरीर बताया गया है, माता पिता से उत्पन्न शरीर बताया गया है, तंत्र पंच महाभूत बताए गए हैं। इसमें सूक्ष्म शरीर तो नित्य रहने वाला है, जबकि माता पिता से जन्य शरीर नष्ट हो जाता है। सूक्ष्म शरीर से तात्पर्य क्या है आप समझ ही रहे होंगे, और माता पिता से जो उत्पन्न होता है जन्य या पैदा हुआ शरीर नष्ट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट कार्य का देखेंगे, ये सूक्ष्म शरीर सबसे पूर्व उत्पन्न हुआ, किसी भी योनि में आसक्ति न रखने वाला, मोक्ष पर्यंत नित्य स्वरूप वाला, महत से तन्मात्र पर्यंत 18 तत्वों, 18 तत्व कौन कौन से इनको बता देते हैं, महत, अहंकार, एकादश इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन तथा 5 तन्मात्रा से निर्मित भोगरहित लययुक्त तथा बुद्धि के धर्मा धर्मादि 8 भावों से युक्त सूक्ष्म लिंग और शरीर संसरण करता है। जिस प्रकार आधार के बिना चित्र तथा स्थाणु यानी कि खूटा आदि के बिना छाया नहीं रह सकती, क्या बताया गया है, जिस प्रकार से आधार के बिना चित्र नहीं रह सकता तथा स्थाणु यानी खूटा के आदि के बिना, मतलब कोई भी चीज़ के बिना छाया नहीं रह सकती, उसी प्रकार सब विशेषों यानी कि तन्मात्राओं के बिना ये लिंग आश्रयहीन स्थिति में नहीं रह सकता। अब नेक्स्ट कार्य का देखेंगे हम, पुरुषार्थ प्रयोजन से प्रवर्तित ये सूक्ष्म और धर्म अधर्म आदि निमित्त और उसके कार्य स्थूल शरीर में से संबंध होने के कारण प्रकृति की विभूत शक्ति के सहयोग से अभिनेता के समान व्यवहार करता है। क्या बताया गया है, पुरुषार्थ प्रयोजन, ये पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष के प्रयोजन से प्रवर्तित ये सूक्ष्म शरीर है धर्म अधर्म आदि निमित्त और उसके कार्य स्थूल शरीर से संबंध होने के कारण प्रकृति की विभुत्व शक्ति के संयोग से अभिनेता के समान जो है व्यवहार करता है। अब नेक्स्ट कार्य का देखेंगे हम, धर्म आदि भाव संसिद्धिक प्राकृतिक तथा वैकृतिक के भेद से 3 प्रकार के हैं। ये कारण बुद्धि में रहने वाले हैं तथा कलकलादि माता पिता से जन्य भाव कार्य में रहने वाले देखे जाते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, धर्म से ऊर्ध्वगमन होता है। क्या होता है, धर्म से ऊर्ध्वगमन होता है यानी कि जो पहुंच होती है वो कहें आगे बढ़ती है, आगे बढ़ाती है, ऊंचाइयों की ओर ले जाती है, और अधर्म से अधोगमन होता है यानी कि पतन होता है, नीचे गिरता है। ज्ञान से अपवर्ग यानी कि मोक्ष और विपर्य से अज्ञान से बंध होता है। क्या बताया, धर्म से ऊर्ध्वगमन होता है, अधर्म से अधोगमन होता है, ज्ञान से अपवर यानी कि मोक्ष होता है और विपर्य ज्ञान से बंध होता है। नेक्स्ट कार्य का हम देखेंगे, वैराग्य से प्रकृति का लय होता है। जो वैराग्य है, वैराग्य से प्रकृति का लय होता है। राजस राग से संसरण यानी जन्म मरण होता है। ऐश्वर्य से अभिघात इच्छा की सफलता तथा अनैश्वर्य से विघात यानी कि इच्छा की असफलता। इसमें होता है ऐश्वर्य से अभिघात इच्छा की सफलता तथा अनैश्वर्य से विघात यानी कि इच्छा की असफलता होती है। नेक्स्ट कार्य का हम देखेंगे, विपर्य अशक्ति तुष्टि और सिद्धि के भेद से ये प्रत्यय बौद्धिक सृष्टि 4 प्रकार की होती है। जो बौद्धिक सृष्टि है वो कितने प्रकार की होती है, विपर्य अशक्ति तुष्टि और सिद्धि के भेद से 4 प्रकार की होती है। गुण वैषम्य से इसके कुल 50 भेद माने गए हैं। क्या बताया है, गुण वैषम्य से इसके कुल 50 भेद माने गए हैं और प्रत्यय जो है बौद्धिक सृष्टि वैसे विपर्य अशक्ति तुष्टि और सिद्धि से 4 प्रकार की होती है। अब नेक्स्ट कार्य का हम देखेंगे,
विपदा के पांच भेद किए गए हैं जो हमने अभी बताए थे यहाँ पर, विपदा, आशक्ति, तुष्टि और सिद्धि। तो विपदा सबसे पहले देख रहे हैं, विपदा के पांच भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं विपदा के? पांच भेद होते हैं। आशक्ति तो इंद्रियों की विकलता के कारण 28 भेदों वाली होती है। तुष्टि 9 प्रकार की होती है तथा सिद्धि 8 प्रकार की होती है। तो विपदा के पांच यहाँ लिख लिए, आशक्ति के 28 और तुष्टि के नौ प्रकार और जो है सिद्धि के 8 प्रकार। ये कुल मिलाकर कितने हो गए? 5 और 28 यहाँ 33 और 9 42 और 8 50। यहाँ पर कुल 50 भेदों वाली हो गई। क्या बताया गया है? विपदा के पांच भेद होते हैं। शक्ति तो इंद्रियों की विकलता के कारण 28 भेदों वाली है। तुष्टि 9 प्रकार की तथा सिद्धि 8 प्रकार की होती है। इस प्रकार जो हैं 50 भेद होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे तम और मोह के 8-8 प्रभेद होते हैं। महामोह 10 प्रकार तथा तमेस तथा अंध तमेस 18-18 प्रकार का होता है। इस प्रकार विपदा के कुल 8+8+10+18+18 यहाँ पर दिख रहे हैं 62 भेद होते हैं। तम और मोह के 8-8 भेद होते हैं। महामोह 10 प्रकार तथा तमेस तथा अंधतामिस 18-18 प्रकार का होता है। इस प्रकार विपदा के कुल जो हैं 62 भेद होते हैं। आशक्ति के 28 प्रभेदों से या प्रभेदों में से 11 इंद्रियों का कुंठित होना एकादश इंद्रियवध है। 9 प्रकार की अतुष्टि और 8 प्रकार की असिद्धि ये 17 बुद्धिविद कहे गए हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कारिका, आशक्ति के 28 प्रभेदों में से 11 इंद्रियों का कुंठित होना एकादश इंद्रियवध है। 9 प्रकार की अतुष्टि और 8 प्रकार की असिद्धि ये 17 बुद्धिविद कहे गए हैं। नेक्स्ट कारिका में हम देख रहे हैं प्रकृति, उपादान, काल एवं भाग्य नामक 4 आध्यात्मिक तुष्टियाँ तथा विषयों से वैराग्य होने के कारण 5 वाहि तुष्टियाँ अर्थात कुल 9 तुष्टियाँ मानी गई हैं। तो तुष्टियाँ कितनी मानी गई हैं इस विषय में बताएंगे। प्रकृति, उपादान, काल तथा भाग्य नामक 4 आध्यात्मिक तुष्टियाँ। 4 आध्यात्मिक तुष्टियाँ कौन कौन सी हैं? प्रकृति, उपादान, काल एवं भाग्य। 4 आध्यात्मिक तुष्टियाँ हैं प्रकृति, उपादान, काल एवं भाग्य। 4 जो आध्यात्मिक तुष्टियाँ हैं और विषयों से वैराग्य होने के कारण 5 जो हैं वाहि तुष्टियाँ अर्थात कुल 9 तुष्टियाँ मानी गई हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कारिका, ओ है शब्द अध्ययन दुख त्रया विराग और सुहृद प्राप्ति और दान ये 8 सिद्धियाँ हैं। 8 सिद्धियाँ कौन कौन सी हैं? ओ है शब्द अध्ययन, यहाँ देख रहे हैं ओ है शब्द अध्ययन और दुख त्रया विघात और सुहृद प्राप्ति और दान ये 8 सिद्धियाँ हैं। यहाँ पर प्लस हो गया 3 क्योंकि दुख त्रय यहाँ पर 3 शब्द आ गया, 1 और 2 5 और 3 यहाँ हो गए 1 2 3 3 6 हो गए, 6 और 3 दुख हो गए तो यहाँ पर कितनी हो गई? 9। तो यहाँ पर दुख त्रय एक साथ कर दिया है तो इसको हम दोबारा से देख लेते हैं। वह है शब्द अध्ययन, दुख त्रय, सुहृद प्राप्ति और दान ये 8 सिद्धियां हैं। सिद्धि के पूर्व 3 प्रकार का विपर्य, अशक्ति और तुष्टि अंकुश हैं। कौन कौन से बताए गए हैं? विपर्य, अशक्ति और तुष्टि अंकुश हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बौद्धिक परिणाम धर्मादिक। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर बताया है 8 सिद्धियां हैं और सिद्धि के पूर्व 3 प्रकार का विपर्य, अशक्ति और तुष्टि अंकुश हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे हम भौतिक परिणाम धर्मादिक। भावों के बिना लिंग तन्मात्र स्वर्ग संभव नहीं है और लिंग के बिना भाव निवृत्ति प्रत्यय स्वर्ग स्थिति भी संभव नहीं है। अतः लिंग और भाव नामक द्विविध स्वर्ग यानी कि सृष्टि की प्रवृत्ति देखी जाती है।
अब नेक्स्ट कालिका हम देख रहे हैं, देव सर्ग आठ प्रकार के हैं। कितने प्रकार के बताए हैं? आठ प्रकार के हैं। त्रयक सृष्टि पांच प्रकार की तथा मनुष्य सृष्टि एक प्रकार की है। संक्षेप में यही भौतिक सृष्टि कही जाती है। देव सर्ग आठ प्रकार के हैं, त्रयक दृष्टि पांच प्रकार की है तथा मनुष्य सृष्टि एक प्रकार की है। संक्षेप में यहाँ भौतिक सृष्टि कही जाती है। अब नेक्स्ट कालिका हम देखेंगे सत्व प्रधान सृष्टि। ऊर्ध्वलोक यानी कि देवलोक में सत्व प्रधान सृष्टि क्या है? ऊर्ध्वलोक यानी कि देवलोक में, तमो बहुल अधोलोक में तथा राजस सृष्टि मध्यलोक यानी कि मनुष्य लोक में होती है। क्या बताया गया है फिर से देख लेते हैं। सत्व प्रधान सृष्टि ऊर्ध्वलोक यानी कि देवलोक में, तमो बहुल अधोलोक में तथा राजस सृष्टि मध्यलोक यानी कि मनुष्य लोक में होती है। यही ब्रह्मा से लेकर तरण पर्यंत सृष्टि की स्थिति है, ऐसा बताया गया है। अब नेक्स्ट कालिका हम देखेंगे उन सृष्टियों में लिंग शरीर के मोक्ष क्या है या विनाश पर्यंत चेतन पुरुष जरा और मरण जन्य दुख को प्राप्त करता है, अतः दुख स्वभावता होता है। तो दुख तरह जो बताया गया है, तो इसमें बताया है उन सृष्टियों में लिंग शरीर के मोक्ष यानी कि विनाश पर्यंत जो शरीर है विनाश पर्यंत चेतन पुरुष क्या है? जरा यानी कि बुढ़ापा और मरण जन्य दुख को प्राप्त करता है, अतः दुख स्वभावता होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कालिका। इस प्रकार ये प्रकृति द्वारा किया गया सृष्टि का प्रारंभ जो महत से लेकर पंचमहाभूत पर्यंत है और वह प्रत्येक पुरुष का मोक्ष कराने के लिए अपने कार्य की तरह दूसरे का कार्य है, अर्थात प्रकृति द्वारा किए गए सृष्टि का प्रारंभ पुरुष के मोक्ष के लिए है। क्या बताया गया? इस प्रकार ये प्रकृति द्वारा किया गया, क्योंकि प्रकृति नीचे नहीं आ रहा है, तो ये सृष्टि का प्रारंभ जो महत से लेकर पंचमहाभूत पर्यंत है और ये प्रत्येक पुरुष का मोक्ष कराने के लिए अपने कार्य की जो है तरह दूसरे का कार्य है, अर्थात प्रकृति द्वारा किया गया सृष्टि का प्रारंभ जो है पुरुष के मोक्ष के लिए, अंत में क्या होता है? मोक्ष होता है। तो जो प्रकृति द्वारा किया गया सृष्टि का प्रारंभ में और बाद में क्या होता है? पुरुष के मोक्ष के लिए है, पुरुष को मोक्ष प्राप्त हो जाए, इसलिए इसमें पूरा विचरण करते हुए अंत यहाँ पर होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जिस प्रकार जड़ होने पर भी बछड़े की बुद्धि के निमित्त दूध की प्रवृत्ति देखी जाती है। क्या बताया गया है? जिस प्रकार जड़ होने पर भी बछड़े की बुद्धि के निमित्त दूध की प्रवृत्ति देखी जाती है, उसी प्रकार जड़ प्रधान की प्रवृत्ति चेतन पुरुष के कल्याण के निमित्त होती है। नेक्स्ट कार्य का देखेंगे हम, जिस प्रकार लोग उत्कंठा की निवृत्ति के लिए कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, अपनी उत्कंठा को पूरा करने के लिए निवृत्ति के लिए कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, उसी प्रकार प्रकृति भी पुरुष के मोक्ष के लिए प्रकृति प्रवृत्त होती है। अब नेक्स्ट कार्य का देखेंगे हम, जिस प्रकार नर्तकी, कैसा उदाहरण दिया है, बहुत अच्छा उदाहरण है यहाँ पर, जिस प्रकार नर्तकी रंगमंच पर अपना नृत्य दिखाकर रंगमंच से निवृत्त हो जाती है, उसी प्रकार प्रकृति भी पुरुष के समक्ष अपने को दिखाकर निवृत्त हो जाती है। देखते हैं हम कि नर्तकी आई और नृत्य किया और पूरा दर्शकों ने देखा और वो जो है रंगमंच से चली जाती है, निवृत्त हो जाती है, दूर हो जाती है। इसी प्रकार से प्रकृति में हम देखते हैं नाना प्रकार की फसलें उगती हैं, फूल वगैरह आते हैं, फल आते हैं और फिर शांत हो जाती हैं। तो इसी क्रम चलता रहता है। उसी प्रकार प्रकृति भी पुरुष के समक्ष अपने को दिखाकर निवृत्त हो जाती है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, इस प्रकार त्रिविध उपायों से उपकृत करती हुई त्रिगुणात्मिका प्रकृति अनुपकारी निर्गुण तथा नित्य पुरुष के प्रयोजन को निस्वार्थ भाव से सिद्ध करती है। हम देखते हैं कि एक बालक जन्म लेता है, जन्म के बाद उसका बचपन आता है, शैशवावस्था होती है, बचपन आता है, बाल्यावस्था होती है, किशोरावस्था होती है, फिर जो है युवावस्था होती है, धीरे धीरे बुढ़ापा आता है और एक बार अंत में क्या होता है? उसका मरण हो जाता है। तो ये क्रम चलता रहता है, ये प्रकृति ही है जो कि ऐसा अपना अभिनय दिखाती है, रंगमंच पर कार्यक्रम दिखाती है, नाटक प्रस्तुत करती है, ऐसा बोल सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कार्य का, मेरे ईश्वर कृष्ण जी क्या कहते हैं। मेरे विचार में प्रकृति से अधिक सुकुमार कुछ भी नहीं है, जो कि इस पुरुष ने एक बार मुझे देख लिया ये सोचकर पुनः उस पुरुष के सामने कभी नहीं आती। क्या कहा है ईश्वर कृष्ण मिश्र जी ने
कि मेरे विचार में प्रकृति से अधिक सुकुमार कुछ भी नहीं है, जो कि इस पुरुष ने एक बार मुझे देख लिया है ये सोचकर पुनः उस पुरुष के सामने नहीं आती। अतः पुरुष ना तो कभी बंधता है और ना ही मुक्त होता है। क्या बताया गया है? ना तो पुरुष कभी बंधता है और ना ही मुक्त होता है, तथा ना ही संसरण करता है। ये नाना श्रेया प्रकृति ही संसरण करती है, बंधती है और मुक्त होती है। पुरुष ना तो कभी बंधता है और ना ही मुक्त होता है, तथा ना ही संसरण करता है। ये नाना श्रेया क्या है? प्रकृति संसरण करती है, यही बंधती है और यही मुक्त होती है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम प्रकृति अपने ही सातों रूपों। सात रूप कौन कौन से हैं ये भी हम देख लेते हैं। प्रकृति अपने ही सातों रूपों धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य के द्वारा अपने से ही अपने को बंधन में डालती है, तथा एकमात्र ज्ञान रूप से पुरुष के प्रयोजन के निमित्त अपने को मुक्त कर लेती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कालिका। इस प्रकार 25 तत्वों के अभ्यास से मैं करता नहीं हूँ, यानी कि मैं करता नहीं हूँ, ये मेरा भोग्य शरीर नहीं है, मैं भोगता नहीं हूँ, ऐसा निसंदेह आत्मक और मिथ्या ज्ञान से रहित कैवल्य ज्ञान उत्पन्न होता है। उस तत्व ज्ञान के कारण रंगमंच के दर्शक की भांति, यानी कि जैसा कि नर्तकी आई, अपना नृत्य जो प्रस्तुत किया, सामने क्या है? दर्शक। दर्शक की भांति स्थित और आत्मनिष्ठ पुरुष, कैसा बताया गया है? दर्शक की भांति बताया गया है। आत्मनिष्ठ पुरुष जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका है, तथा जो प्रयोजन वशात धर्म आदि सात भावों से निर्वृत हो चुकी है, ऐसी प्रकृति को देखता है। यानी कि कौन आया? प्रकृति आई। उस नृत्य किसने किया? प्रकृति ने किया। गया कौन? प्रकृति गई। अब पुरुष जो है दर्शक की भांति बैठा हुआ है और उसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका है, क्योंकि उसे नृत्य देखना था, नृत्य देख लिया है, तथा जो प्रयोजन वशात धर्म आदि सात भावों से निर्वृत हो चुकी है, ऐसी प्रकृति को देखता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर, मैं तो रंगमंचस्थ दर्शक की भांति हूँ, ऐसा सोचकर पुरुष प्रकृति की उपेक्षा कर देता है, तथा मैं इस पुरुष के द्वारा देखी जा चुकी हूँ, ये सोचकर प्रकृति शांत हो जाती है। इसके बाद उन दोनों का संयोग होने पर कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाता। क्या बताया है? रंगमंचस्थ दर्शक की भांति हूँ, ऐसा सोचकर पुरुष प्रकृति की उपेक्षा कर देता है कि मैं तो देख रहा था। अब इसी तरह से दूसरा कार्यक्रम ये चलता ही रहता है, तथा मैं पुरुष के द्वारा देखी जा चुकी हूँ, प्रकृति सोचती है, यह सोचकर प्रकृति शांत हो जाती है। इसके बाद उन दोनों का सहयोग होने पर कोई प्रयोजन ही नहीं रहता। सम्यक ज्ञान उत्पन्न हो जाने से धर्मा धर्मादि सप्त भावों के असमर्थ हो जाने पर संस्कार वशात कुम्हार के घूमते हुए चक्र की भांति योगी भी शरीर को धारण कर लेता है। क्या बताया है? संस्कार वशात जैसे कि संस्कार मिले हैं, कुम्हार के घूमते हुए चक्र की भांति योगी भी शरीर को धारण किए रहता है। जैसे कुम्हार का चक्र जो है घूमता रहता है, ऐसे योगी व्यक्ति जो है वो होता है, वह भी शरीर को धारण किए रहता है। यानी प्रकृति तो चली जाती है, किंतु जो शरीर धारी पुरुष है योगी, वह शरीर को धारण किए रहता है। शरीर के नष्ट होने पर क्या बताया गया है? शरीर के नष्ट होने पर प्रयोजन की सिद्धि हो जाने के कारण प्रकृति की निर्वृत्ति अनंतर पुरुष एकांतिक और अत्यांतिक दोनों प्रकार से कैवल्य को प्राप्त करता है। नेक्स्ट कार्य का देखेंगे अब हम, यह गोपनीय रहस्य रूप पुरुषार्थ ज्ञान महर्षि कपिल द्वारा भली भांति कहा गया है। क्या बताया गया है? कि यह गोपनीय रहस्य रूप पुरुषार्थ ज्ञान महर्षि कपिल मुनि द्वारा भली भांति कहा गया है। इसमें प्रकृति के विकारभूत पदार्थों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का विचार किया गया है। इसमें जो है किसने बताया है? कपिल मुनि ने के द्वारा भली भांति से इसका विस्तार किया गया है, और उसमें प्रकृति के विकारभूत पदार्थों की उत्पत्ति किस तरह से होती है, स्थिति कैसे रहती है और प्रलय पर भी विचार किया गया है। नेक्स्ट का दिखा हम देखेंगे, इस परम पवित्र सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को भगवान कपिल मुनि ने कृपा पूर्वक सर्वप्रथम आश्री मुनि को दिया, और आश्री ने भी अपने शिष्य पंच शिखाचार्य को दिया, तथा उन्होंने इस शास्त्र की व्याख्या करके इसे संसार में फैलाया। ये अंतिम कारिका है जिसे हम देख रहे हैं। इस परम पवित्र सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को भगवान कपिल मुनि ने कृपा पूर्वक सर्वप्रथम आश्री मुनि को दिया, और आश्री ने भी अपने शिष्य पंच शिखाचार्य को दिया, तथा उन्होंने इस शास्त्र की व्याख्या करके इसे संसार में फैलाया। इस प्रकार से जो हम पढ़ रहे थे सांख्य कारिका श्री
ईश्वर कृष्ण मिश्र द्वारा वर्जित उसका हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। ये हमारी पीजीटी परीक्षा के लिए तथा अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है और इसे हिंदी से हिंदी का जो अनुवाद सुनने से पढ़ने से हमें बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगी और संस्कृत की कार्यक्रम को अध्ययन करने में बहुत ही सुविधा रहेगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।